भगवान बिरसा मुंडा यानी धरती आबा जिनकी पूजा होती है पूरे झारखंड में, इस वक्त हम उनके जन्म स्थली उलिहातू में हैं। आज उनका शहादत दिवस है और उलिहातू में देखिए पूजा की जा रही है, पूजा की रस्म अदायगी की गई है और कोई वीआईपी आपको नजर नहीं आएगा। यही बिरसा मुंडा हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ उल गुलान का आह्वान किया था और उनके खिलाफ तलवारें उठाई थी, छक्के छुड़ा दिए थे। उनका परिवार जो है इसी गांव में रहता है, उनको मान सम्मान की बातें बार बार होती है, आश्वासन दिया जाता है, आश्वासन की घूंट पिलाई जाती है। प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी की, लेकिन जिनके लिए ये तमाम घोषणाएं हो रही हैं, उनका परिवार अभी भी स्टेबल नहीं है। सब कुछ अपना लुटाकर, सब कुछ अपना गंवाकर अभी भी स्टेबल नहीं है। लगातार जो है यहाँ पे जब उनका जन्म दिवस होता है या फिर शहादत दिवस होता है तो लंबी लंबी कतारें देखी जाती है राजनेताओं की, धड़ल्ले से वो आते हैं। इसी नाम से झारखंड का गठन हुआ था, झारखंड अलग राज्य बना था, यहीं से राजनीति शुरू होती है, यहीं से वोट बैंक को कैसे अपने पक्ष में किया जाए उसकी भी राजनीति होती है। लेकिन इनका परिजन जो है, इनकी तस्वीर और तकदीर कितनी बदली इस बात को हम जानते हैं। सुखराम मुंडा जो बिरसा मुंडा के परपोते हैं उनके बेटों से, इस वक्त हमारे साथ हैं जंगल मुंडा। इन्हें हालांकि फोर्थ ग्रेड की नौकरी खूंटी कलेक्ट्री में मिली है, लेकिन इनके भाई को भी नौकरी दी गई थी फोर्थ ग्रेड की, जो पानी पिलाते हैं सरकारी दफ्तरों में। लगातार वो मांग करते रहे कि वो पीजी हैं ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज में, टीआरएल में, और कई यहां पे दुमका से लेकर रांची में टीआरएल के विभाग यूनिवर्सिटीज में चलाए जाते हैं। वो ये कहते हैं या तो उन्हें पठन पाठन का कार्य दे दिया जाए या फिर कुछ अन्य कार्य दिया जाए ताकि सम्मानजनक जीवन जो है जिया जा सके। तो जब बिरसा मुंडा के नाम पे सब कुछ शुरू होता है और इतना बड़ा नाम है तो इनके परिजनों को आखिर इससे इसको क्या कहेंगे, किस तरह का यह सम्मान है। जंगल मुंडा हमारे साथ है। जंगल, आपके भाई कानू मुंडा जो है वो लगातार जो है, क्या उनका क्वालिफिकेशन है पहले ये बताइए। हाँ, मेरा भाई ऐसे पीजी तक पढ़े हैं, तो लगातार वो लगातार मांग करते रहे, आश्वासन मिलता रहा और अभी तक तो ऐसे फोर्थ ग्रेड में ही है। क्या करते हैं वो? फोर्थ ग्रेड में ही ऐसे फाइल और पीएम में काम करते हैं। पानी वानी भी पिलाना पड़ता है? पानी उन्हें भी पिलाना पड़ता है, पानी चाय वगैरह, चाय वगैरह जी। और आप क्या करते हैं? हम भी फोर्थ ग्रेड में हैं, हम मैट्रिक तक किए हैं, तो वही खूंटी में ही करते हैं, खूंटी कलेक्ट्री में जी। आप नहीं चाहते हैं कि आपका प्रमोशन हो, लेकिन अपने भाई नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि मेरा प्रमोशन हो, क्या कि मेरा तो अभी उतना पढ़ाई नहीं है, मैट्रिक तक है। कम से कम मेरा भाई पीजी किया है तो उनका तो होना चाहिए। अभी तक हो नहीं पाया, अभी तक हो नहीं पाया, अभी तक खाली आश्वासन मिला है, आश्वासन ही मिल रहा है और खाली बड़े बड़े जो है घोषणाएं हो रही है जी। प्रेसिडेंट मैडम आई थी तो क्या बोली थी कि घर बन जाएगा आपका? आपके घर में 15 लोग हैं आप बताएं। मैडम आई थी उस समय तो बाबा मांग किए थे कि मेरा घर छोटा सा है, बनवा दीजिए। तो मैडम बोली थी कि डीसी साहब को बोली थी कि बनवा दीजिए इनका घर, डीसी साहब को बोली थी कि बनवा दीजिए इनका घर, जितना खर्चा होगा मैं दे दूंगी। तो वही ईटा जुड़ा अभी तक? एक भी नहीं, एक भी ईटा अभी तक तो जुड़ा नहीं है उतना ही में, मतलब क्या बोल रहे हैं आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम सनिका मुंडा। आप चाचा वगैरह हैं इनके? रिलेशन में है? रिलेशन में भी है और हम बिरसाए धर्म को मानने वाले हैं। तो क्या हुआ, इनका घर नहीं बना? चाहते हैं आप लोग इनका घर बन जाए? कैसे नहीं चाहेंगे? अभी तक बड़ी बड़ी घोषणा बिरसा के नाम से की जाती है और जो जनजातीय जो गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अभी हमारे केंद्र में जो है अर्जुन मुंडा एक जनजातीय विकास मंत्री भी हैं, परंतु अभी तक जो नीचे गिरे हुए आदमियों का भी उठाने का प्रयास नहीं किया जा रहा। आज तक बिरसा के जितने अनुयायी थे उन लोगों की दशा और दिशा को देख करके लोगों के आंखों में आंसू भर जाता है। इतना कुर्बानी बिरसा मुंडा ने किया था, इस धरती के लिए खून बहाया उनके जो अनुयायियों के साथ मिलकर, मगर उनको अभी तक किसी क्या परेशानी है? उनको अभी शिक्षा में है, जीवन स्तर में है और स्वास्थ्य में भी उन लोगों का अभी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
खाने वाने का भी दिक्कत है क्या घर सब तो आर्थिक स्थिति में तो ही आता, जंगल झाड़ में ही रहता, ना घर का ठिकाना है, ना शिक्षा का, ना स्वास्थ्य के विषय में कोई सरकारी ओर से कोई ध्यान नहीं दिया, कोई योजनाएं नहीं पहुंच रही है। पहुंच भी रही है तो कहां, बीच में अटक जाती है, धरातल पर तो कहीं भी कोई भी योजना सही रूप से उतरा नहीं जा रहा है। देखिए ये आप इनकी पत्नी हुई जंगल मुंडा की, क्या नाम है आपका जी? गांगी मुंडा। ये आपकी जो ननद है वो भी सब्जी उब्जी बेच के पढ़ाई की है? जी हाँ, बेच रही थी और अभी पढ़ाई कर रही है और अभी एमए कर रही है। एमए कर रही है? हाँ, एमए अभी लास्ट तो थर्ड में है। अगर कोई स्रोत नहीं रहता तो सब्जी भी बेचना पड़ता कभी कभी जी। अभी भी बेचती हैं जी? अभी तो फिलहाल नहीं कर रही है। हाँ, हाँ। अभी तो पढ़ाई में ध्यान दे रही है। हाँ, क्या चाहती हैं वो लोग को, जैसे आपका देवर है उनको क्लर्क वगैरह बनाया जाए, फोर्थ ग्रेड से प्रमोशन हो जी? हाँ, आगे उसको बढ़ा देना चाहिए, कह के वो तो ज्यादा पढ़ा लिखे हैं और अभी तक वही फोर्थ ग्रेड में ही कर रहे हैं। घर चाहती हैं, घर बढ़िया बने जी? तो घर तो कब से बोल रहे हैं कि थोड़ा बड़ा ही बना दीजिए, कि सबके बहु बेटे हैं। हाँ। कितने आप लोग, कितने आपके मतलब आप लोग कुल मिला के 15 लोग हैं घर में जी? 15-16 है, बाल बच्चा सबको लेके? सबको लेके, सब एक साथ आ जाते हैं तो हम लोग रहना थोड़ा दिक्कत हो जाता है अभी, रहना दिक्कत है। हाँ। तो ये देखिए, ये आलम है, घर नहीं है, घर के लिए अभी भी बिरसा मुंडा के परिवार को, वंशज को संघर्ष करना पड़ रहा है और एक सम्मानजनक जीवन जीना चाहते हैं बिरसा मुंडा के परिजन भी और बिरसा के जो अनुयायी हैं। एक बिरसा यहाँ धर्म है, हर थर्सडे को पूजा की जाती है, झंडे गाड़े जाते हैं और वो लोग इस बात से कहीं ना कहीं निराश हैं कि कैसे उपेक्षा का शिकार उन्हें होना पड़ा है। गांधीवादी हैं, गांधीवादी सोच था इनका और अभी जो है बदहाली का सामना इन्हें करना पड़ रहा है, जबकि बिरसा मुंडा ने वक्त पे खून बहाया और उनको भगवान का दर्जा यहाँ दिया जाता है और ऐसे में भी अगर उनके वंशज को संघर्ष करना पड़ रहा है और सिर्फ रस्म अदायगी और घोषणा पे घोषणा होगा तो आप समझ सकते हैं कि कैसे जो है अच्छे जीवन की परिकल्पना ये करें और किस तरह का ये सम्मान है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, खूंटी आज तक।